यहाँ आप यहाँ से नंबर नोट करो, आप इनसे कॉल कर किसी भी कैफे का इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। बसेस कहाँ कहाँ के लिए जाती है, क्या के लिए? सर दिल्ली के लिए, आनंद विहार दिल्ली के लिए। कोई सच्चाई नहीं है, ये सैनिटाइज बिल्कुल भी बस को नहीं करते हैं। एक तरीके का चुटियापा था जो मैंने भी सुन लिया और आपने भी सुन लिया कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मजाक से हट के। मुजफ्फरपुर में टोटल दो बस स्टैंड हैं, एक है बैरिया बस स्टैंड और एक है सरकारी बस स्टैंड। मैं हूँ अभी बैरिया बस स्टैंड के पास। बेसिकली क्या होता है, हमारे जितने भी भाई होते हैं, हमारे जितने भी दोस्त होते हैं, वो हमसे ये क्वेश्चन आस्क करते हैं, फैजान भाई ये हमें बताओ कि मुजफ्फरपुर का बैरिया बस स्टैंड किस तरीके का है और यहाँ से बसेस कहाँ कहाँ जाती है, पूरे इसके बारे में हमें पूरा क्लियर बताओ। मैं आपको उससे पहले बता दूं कि मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड आने के लिए आपको सर्वप्रथम रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, उसके बाद आप मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड के पास पहुंच जाओगे। उससे पहले आप अगर सरकारी बस स्टैंड से सफ़र करना चाहते हो तो आप रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस पर आप सरकारी बस स्टैंड पर जा सकते हो। चले हमारे साथ कुछ हमारे भाई है जिनसे हम कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड के बारे में। भैया आप लोग मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड के बहुत पुराने आदमी हो क्या? बहुत पुराने हैं। लगभग 3-4 साल से हैं। 3-4 साल से हैं यहाँ पर। आपने उतने दिन से रहकर क्या देखा है कि यहाँ पर कितनी कितनी बसेस चलती है, कितनी पुरानी बसेस है और कहाँ कहाँ के लिए बसेस चलती हैं यहाँ के? मुजफ्फरपुर बस सेंटर है यहाँ बिहार और अदर स्टेट जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ऐसे बोलिए, हर जगह जाती है बसेज ना। और ये बस स्टैंड पे अभी कोरोना काल है, कोरोना बहुत ही ज्यादा ऊंचा हुआ है, तो ऐसे में सिक्योरिटी लेवल कैसी है यहाँ की? सिक्योरिटी लेवल बढ़िया है, इसमें चेकिंग रोज हो रहा है बस स्टैंड में जी। सवारी का यहाँ पे काफी कम आना जाना हो रहा है, सवारी का कम आना, पुलिस वगैरह आती है हमेशा चेकिंग के लिए, और आप लोग ने भी मास्क लगा रखा है तो ये अच्छी बात है। चलिए सर मिलते हैं फिर, बाकी जो है मैं आपको आगे की पूरे बस स्टैंड का टूर करवाऊंगा और पूरा बताऊंगा कि बैरिया बस स्टैंड किस तरीके का है, यहाँ से कहाँ कहाँ की बसेस जाती है। मैं अभी हूँ बैरिया बस स्टैंड के जस्ट अपोजिट साइड में और ये बैरिया बस स्टैंड के अंदर एंटर करने के लिए आपको 2 गेटें मिलेंगी। मैं हूँ पहले गेट के पास और इस गेट से जब अंदर की तरफ हम एंटर कर रहे होते हैं तो हम देखेंगे कि लाइन से बहुत सी यहाँ पर दुकानें हैं और कुछ बसेज हैं। तो चलिए, इतना लंबा सफ़र है बैरिया बस स्टैंड का, बैरिया बस स्टैंड का सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, इसके लिए हमें थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। यहाँ पर आज कुछ दुकानें देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर से गोरखपुर, फैज़ाबाद वगैरह सब जगह के लिए यहाँ से बसेस जाती हैं। तो आप अगर किसी भी जगह से बिलोंग करते हो तो आप अगर आओगे तो डेफिनेटली आप यहाँ से जो है कहीं भी जा सकते हो, बहुत ही परफेक्ट जगह है। मैं भी वही चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ से बसेस, हर एक बसेस लगभग जा ही रही है और बाकी जो है अपना सफ़र आगे की तरफ चल रहा है। और ये बैरिया बस स्टैंड का है जिसमें आप यहाँ इस साइड में देख सकते हैं कि कितनी सारे बसें लगी हुई है। और इसके साथ साथ जो है ना, आप हमारे बैक साइड में भी अगर देखेंगे तो इस साइड में जब थोड़ा आकर देखाऊँ आपको तो आप हमारे बैक साइड में इस साइड भी आप देखेंगे तो बहुत सी बसेस लगी हुई है। ये बसेस जो है बहुत ही थोड़ी पुरानी टाइप की हो सकती है बट हाँ, और एक चीज़ और आपको हम बता दें कि कोरोना काल है और पर डे 2 लाख से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कोरोना के। बट अगर मैं बात करूँ मुजफ्फरपुर की तो यहाँ कोई भी सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है, भले लोग कुछ भी बोल रहे हों बट यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, मास्क किसी के पास नहीं है। पता नहीं हमारी पुलिस सीमा बल आखिर इस पर क्या ध्यान दे रही है, मुझे तो नहीं पता बट हाँ, इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए था। बाकी जो है मैं अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ और मास्क लगाने की वजह से थोड़ा बोलने में जो है ना वॉइस मतलब अनकंफर्टेबल हो रहा, बट कोई नहीं, वॉइस अनकंफर्टेबल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ वीडियो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। चले बस उससे पहले मैं कुछ बात करता हूँ भाई से। भैया आप लोग यहाँ बस वगैरह चलाते हो क्या? हाँ बस चलाते हैं। बस कहाँ कहाँ तक के लिए बस जाती है? पूरा ऑल इंडिया जाती है। ऑल इंडिया लाइक दिल्ली, मुंबई वगैरह के लिए भी जाती है, हर जगह के लिए? यहाँ से मतलब कुछ टाइमिंग बताएंगे बैरिया बस स्टैंड के खुलने उलने का कुछ टाइमिंग है?
टाइमिंग मालूम नहीं है, टाइमिंग कुछ नहीं। चलिए, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बैरिया बस स्टैंड का कुछ परफेक्ट टाइमिंग है, क्योंकि बैरिया बस स्टैंड से आप कहीं भी जाओगे तो हर एक टाइम में आपको बसेज मिल जाएगी। और ये बस स्टैंड छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा बस स्टैंड है, जिसको कि मैं अपने से अगर बहुत ही ज़्यादा भी कोशिश करूँ ना तो इसको ज़्यादा कवर नहीं कर पाऊँगा। बाय द वे, अगले का सफ़र जो है हम जारी रखते हैं और देखते हैं पूरे बैरिया बस स्टैंड को। यार जब बोल रहा हूँ ना तो पूरा अंदर से आवाज़ निकल रही है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको क्या बताएं यार। आप अगर वीडियो देख रहे हो ना तो लाइक करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा था, और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय द वे, अभी बैरिया बस स्टैंड के मैं हूँ सेकेंड नंबर गेट पर। बसेस जो होती है उस गेट पे एंटर करती है और इस गेट से जो है एग्ज़िट करती है। अक्सर ये गेट को एग्ज़िट गेट के नाम से भी आप जान सकते हैं। और एक चीज़ और अच्छा है यहाँ पर कि यहाँ जो है बसेस जो है वो काफ़ी लॉन्ग रूट के साथ साथ जो है ना, हर एक बस ख़राब नहीं है, बस भी अच्छे अच्छे हैं। लाइक यहाँ पर जो है ना बस एसी बस आपको मिल जाएंगे, नॉर्मल बस मिल जाएंगे, और भाड़ा का तो वो डिपेंड करता है किलोमीटर या फिर किसी डिस्टेंस पर। कुछ लोगों से बातें की, थोड़ा मार्क्स के बारे में प्रायोरिटी देना ये हमारा भी फ़र्ज़ है और आपका भी फ़र्ज़ है, और साथ में बैरिया बस स्टैंड वालों का भी फ़र्ज़ है, क्योंकि यार इन्हें थोड़ा फोकस करना था। कोरोना काल है, पर डे 2 लाख की केसेज आ रही हैं, साथ में जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में डेथ भी हो रहा है। बिहार में कल की रेट है 43 डेथ हो चुकी है। इसी के साथ साथ जो है मैं अभी इस एरिया में हूँ, और यहाँ पर आपको बता दूँ कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सी दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें आपको कुछ खाने पीने के साथ साथ अपने घर ले जाने के लिए सामान मिल जाएंगे। किलोमीटर के हिसाब से कितना है? किलोमीटर के हिसाब से 12 वही है कि दिल्ली है 1300 किलोमीटर। अच्छा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1200 रुपये जा रहा है दिल्ली। 1200 रुपये में दिल्ली जा रहा है। एसी या नॉन एसी? एसी गाड़ी जा रही है। एसी गाड़ी है, दिल्ली के लिए तो नॉन एसी चलेगी नहीं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है। और टॉयलेट वगैरह की सुविधाएं है आपके पास? रास्ते में रुकता है। हाँ, रास्ते में होटल पर रुकता है। अच्छा, ढाबा वगैरह पे आप ढाबा वगैरह पे रोक कर फिर उसके बाद टॉयलेट वगैरह देते हो? चलिए, ये बेटर लगा आपको ऑप्शन। और अगर टॉयलेट वाला बस हो तो उसका कितना रुपया लगेगा? टॉयलेट वाला बस तो चल ही नहीं रहा है, अभी चल रहा था 5 साल पहले आया था। और यहाँ से चल रहा है? नहीं, अभी कोई कहीं के लिए नहीं जा रहा है। चलिए, थैंक यू भैया बताने के लिए। और यह सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन हमें ये मिली कि यहाँ से आपको टॉयलेट वाली बसेज आपको बहुत कम मिलेंगी। चाहूँगा आपसे और थोड़ा मार्क्स हटाने की आग्रह करूँगा। बैरिया बस स्टैंड पटना रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ आने के लिए आपको ज़्यादा नहीं 10 से 15 रुपये लगेंगे रेलवे स्टेशन से अगर आप आ रहे हो। आप अगर शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना चाहते हो, अगर बिहार के अंदर ही डिस्टेंस कवर करना चाहते हो, तो बैरिया बस स्टैंड से अच्छा होगा आपको कि सरकारी बस स्टैंड से कवर करें, क्योंकि आपको वहां पर बहुत ही कम दाम में सफ़र करने को मिल जाएंगे। और रही बात बैरिया बस स्टैंड की, तो ये भी बहुत ही अच्छा बस स्टैंड है। यहाँ से हर जगह के लिए बसेज हैं, आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बसेस की सुविधाएं अच्छी है, आप हमारे बैग में भी दे सकते हो। ये सब बसेस जो लगी हुई हैं ये सब दिल्ली के लिए जाती है। आपको बता दूं कि सिक्योरिटी ना के बराबर है, तो आपको देख लेना है कि कोरोना काल में आपको किस जगह से सफ़र करना है। इसी के साथ साथ मैं लगभग बैरिया बस स्टैंड का आधा से ज़्यादा, बल्कि कह सकते हैं कि पूरा बैरिया बस स्टैंड को कवर कर चुका हूं। और मैं एक बार आपको बैक से दिखा दूं कि ये है बैरिया बस स्टैंड का पूरा सीन, जो कि आपको दूर से देखने में कुछ इस तरीके से लगता है। मैं चलिए एक ट्रैवल इंडिया वाले, एक वॉल्वो का, आपकी बसेस कहाँ कहाँ के लिए जाती है, क्या क्या? दिल्ली के लिए, आनंद विहार। आनंद विहार दिल्ली के लिए। छुट्टी के लिए आपके पास क्या व्यवस्थाएं हैं? व्यवस्था क्या है, सैनिटाइजर है, मास्क है, बस को सैनिटाइज करते हैं, हमेशा करते हैं, पर चक्कर करते हैं, हमेशा एक चक्कर मार के आएगी फिर सैनिटाइज होगा फिर गाड़ी आएगी। चलिए, ये तो अच्छा चीज मिला कि आप देख, आपके ट्रैवल एजेंसी का नाम क्या है ये हमें बता दें। न्यू ट्रैवल इंडिया। न्यू ट्रैवल इंडिया, आप अगर आ रहे हैं तो न्यू ट्रैवल इंडिया की सर्विसेज आई थिंक अच्छी है, इन्होंने जैसा बताया तो यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच कि आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। चलिए फिर,
तो इसी के साथ साथ जो है ना, मैं आपको बता दूं कि ये न्यू ट्रेवल इंडिया था जिससे मैंने अभी बात किया है, और इनके बातों का कहने का मतलब ये था कि अभी कोरोना को लेकर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं कि नहीं, कोरोना को थोड़ा अच्छे पैमाने पर देखा जाए, इसे बढ़ावा ना दिया जाए। तो बाय द वे इनका सोचना था, बट ऐसी कोई सच्चाई नहीं है, ये सैनिटाइज बिल्कुल भी बस को नहीं करते हैं। एक तरीके का चुटियापा था जो मैंने भी सुन लिया और आपने भी सुन लिया कहीं ना कहीं बिल्कुल भी मजाक से हट के। और रही बात कि बैरिया बस स्टैंड की, तो मैं आपको बता दूं कि बैरिया बस स्टैंड वाकई में सही है। सही कहने का ये मतलब है कि यहाँ से बसेज हर जगह के लिए जाती हैं, तो सही होगा ही। और अगर आप बाहर से वीडियो देख रहे हो, बैरिया स्टेशन के बारे में जानना चाहते हो, आप हमें इसका इस चुटियों को समझाओ यार, बिना मतलब तो बजाता है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आकर हमसे कुछ क्वेश्चन आस्क कर सकते हो, और साथ में अगर आप कुछ चाहते हो कि कोई एक ट्रैवल एजेंसी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो मैं आपको ट्रैवल एजेंसी का डायरेक्ट फ़ोटो दिखा देता हूं। यहां आप यहां से नंबर नोट करो, आप इनसे कॉल कर किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में आपको ये भी बात बता दूं कि बैरिया बस स्टैंड वेरी ग्रेट है, बहुत अच्छा है। भले कोरोना काल में जो भी सिचुएशन रहता हो, वो हर जगह प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। आप अगर सेफ हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। बाकी मैं चाहूँगा आपसे विदा लेना, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो मिलते रहिए हमारे इस वीडियो में, चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।